नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेकों ऐसे त्योहार हैं जो बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं और उन्हीं त्योहारों में है करवा चौथ जो दशहरे के बाद और दिवाली से पहले आता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस व्रत को किस विधि अनुसार रखा जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ सुहागनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस त्योहार पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहनकर, 16 श्रृंगार कर अपने पति की पूजा कर व्रत का आरंभ करती हैं। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है, अन्यथा हर क्षेत्र में एक जैसी ही मान्यताएं होती हैं। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। पूरे दिन निर्जला रहें, यानी पानी तक नहीं पिया जाता इस व्रत में। पूरे दिन भूखे रहें, निर्जले रहें, या अगर आप निर्जले नहीं रह सकते तो आप सिर्फ फल के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हो, पर इस व्रत में अनाज बिल्कुल नहीं खाना होता है। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें, इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों को अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गोरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठा दें। गोरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गोरी को चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गोरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रख लें। भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा भी रख दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गोरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। करवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्ध्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। इससे आपकी पति की आयु लंबी होगी, घर में सुख शांति आएगी।